सर दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले केपीआईटी टेक के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट ले लेंगे। अगर आपको याद हो, हमने पिछली बार की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मैंने सेलिंग करी थी। अगर मैं आपको यहाँ पे होल्डिंग दिखाऊँ, अपने ऑर्डर्स दिखाता हूँ, हम लोग अपने ऑर्डर्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे व्यू माई ऑर्डर्स में पिछली बार मैंने बता दिया था कि सेल कर देना अपने केपीआईटी टेक को। अगर मैं दिखाऊँ आपको केपीआईटी टेक, हाँ ये रहा आपका, हमने सेल कर दिया था केपीआईटी टेक को अपने जो, अगर आपको दिख रहा हो 24 मैंने बाय मैंने सेल किया था। अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पे मैंने एवरेज वैल्यू जिस पे सेल किया था वो 750 751 था, और अभी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। मैंने यहाँ के अराउंड मैंने सेल कर दिया था। मैंने आपको बताया भी था अपनी वीडियो, लास्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं करा हो तो फिर दैट्स, आप एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर आपने वीडियो चेकआउट्स नहीं मिल रहे तो। अब यहाँ पे मैंने 750 पे सेल ऑफ कर दिया था। मैंने पर्सनली आपको दिखाओ तो यहाँ पे 750 में पिछली बार 24 क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी सेल ऑफ कर दी थी, जितनी भी मेरे पास क्वांटिटी थी। क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश था, क्योंकि इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी थी और स्टॉक के पास वॉल्यूम भी नहीं थे। ये वॉल्यूम वाला पार्ट अगर आपको दिख रहा हो तो वॉल्यूम रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि स्टॉक में से जो इंटरेस्ट है काफ़ी सारे बायर्स का वो लो होता जा रहा है। यहाँ पे अगर रेड वॉल्यूम से डिक्रीज कर रही है, मतलब कि जो सेलर्स का इंटरेस्ट है वो अब लो हो रहा है। तो रिसेंटली इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट मैं पर्सनली बाइंग कहाँ पे करने वाला हूँ, अगर मैं बताऊँ तो मैं बाइंग इस वाले लेवल्स पे करूंगा, अराउंड 689 पे मैं पहली बाइंग करूंगा। फर्स्ट बाइंग जो होगी मेरी इस पे होगी, देन मेरी जो सेकेंड बाइंग होगी वो मैं पर्सनली यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर मैं आपको थोड़ा मार्क करके बताऊँ तो मेरी नेक्स्ट बाइंग जो होगी, अगर स्टॉक और थोड़ा गिरा तो यहाँ पे करेक्ट हुआ तो यहाँ पे अराउंड 640 पे मैं बाइंग करूंगा। तो अगर आपको बाइंग्स वगैरह करनी है तो अभी अभी मत, वेट कर लो थोड़ा सा, जब स्टॉक 688 पे आ जाए तब आप बाइंग्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी उससे पहले आप बाइंग्स मत करना, क्योंकि स्टॉक एक अच्छा खासा मोमेंटम में नहीं रहेगा। अभी भी है, अभी भी जैसे इसने स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम लिया था, बाकी अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो 688 का लेवल जो होगा काफी परफेक्ट बाइंग कर सकती जा सकती है, और 640 का भी लेवल अच्छी बाइंग करी जा सकती है, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें स्टॉक के बारे में, केपीआई टेक के बारे में अगर हम लोग देखें, शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है हम लोग को यहाँ पे। बाकी स्टॉक काफी स्ट्रांग है, अभी सेल ऑफ करने की बात नहीं है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए था इसमें, मैंने प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट कर लिया। मैंने यहाँ पे इसमें से अराउंड मेरे को 2-3 हज़ार का, सॉरी पर्स मेरे को पर स्टॉक अराउंड 100-150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। तो 24 स्टॉक मतलब अराउंड अराउंड 4,000 के अराउंड मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, तो इसलिए मैंने सेल ऑफ कर दिया था। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो स्टॉक का, अगर हम लोग 5 मिनट्स के हिसाब से देखें तो स्टॉक में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। ये जो मैंने बताया आपको, यहाँ से 50 MA ने एक अच्छा खासा ब्रेक लिया है। तो मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ 50 MA ने अच्छा खासा ब्रेक लिया और यहाँ पे 200 MA को ब्रेकआउट किया है। ऊपर से नीचे जब कभी भी कट होता है तो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड आता है। हर समय बताता हूँ, जब कोई 50 MA ऊपर से नीचे 200 MA को कट करता है तो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड आता है। तो वही चल रहा है फिलहाल में, जब तक ये ट्रेंड ऊपर नहीं आता, मतलब ये वाला ऐसा कुछ रिवर्सल नहीं आता लॉन्ग टर्म में। ये तो शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर 1 ईयर 1 आवर के चार्ट पे देखें तो जब तक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मोमेंटम, वैसे में इसमें लॉन्ग टर्म में तो दिखेगा नहीं, 5 मिनट्स के चार्ट में दिख जाएगा कि जब जैसे ही अच्छा खासा मोमेंटम आए तब मैं इसमें बाइंग्स करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बाकी आपने सपोर्ट्स देख लिए और ये देख लिया, और इसके अलावा आरएसआई पे भी फोकस कर लेते हैं कि आरएसआई कहाँ पे है अभी फिलहाल का, बाइंग कैसी करी जा सकती है। देखो आरएसआई भी 65 पे है, मतलब कि अभी भी बाइंग्स चल रही है स्टॉक में, तो अभी आपको नहीं घुसना है इसमें। जब 30-35 के अराउंड जब आरएसआई पहुंच जाए तब इसमें बाइंग्स करी जा सकती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट केपीआईटी टेक। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू इट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।